गुड इवनिंग, दिस इज इम्तियाज खान। गाइस, आज जो है मैं कुछ होटल मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है वो लेके बात करेगा। नॉर्मली जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में, उसमें होटल मैनेजमेंट किया जाता है। होटल मैनेजमेंट का बहुत सारे कोर्स है, तो उनमें से मैं आपको तीन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लेके बात करूंगा। एक है डिप्लोमा इन हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ वोकेशन इन फूड प्रोडक्शन, और एक है बैचलर इन होटल हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट। ये तीनों लेके, तो ये तीनों कोर्स जो है ये जामिया मिलिया इस्लामिया में किया जाता है दिल्ली में। इसके लिए जो है ये सब के लिए आपका क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आपका एंड सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या है, ये लेके मैं बात करूंगा। सो गाइस, DHM डिप्लोमा इन हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट एंड BHM बैचलर इन हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट एंड BVOC बैचलर ऑफ वोकेशन इन फूड प्रोडक्शन, दिस ऑल आर ऑफर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म होटल्स हॉस्पिटलिटी एंड स्टडीज ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया। तो ये सब करने के बाद आपका वैल्यू तो रहेगा ही, क्योंकि ये अंडर यूनिवर्सिटी है। अभी आप लोग को बताएगा ये सब कोर्स करने के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। क्वालिफिकेशन नॉर्मली ऐसा ही है, ये तीनों प्रोग्राम के लिए, तीनों प्रोग्राम के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपका क्लास 12 पास विथ मार्क्स का जो रिक्वायरमेंट है वो है 45% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट क्लास 12 पे रिक्वायरमेंट है आप अप्लाई करने के लिए। अभी जो है ये नॉर्मली ये जगह में आपको सिखाएगा क्या क्या मोटो है, आपको जो तीनों कोर्स सिखाएगा, तीनों कोर्स का जो मोटो है, देखिए इसमें जो है आपका स्किल जो है आपको सॉफ्ट स्किल सिखाया जाएगा, देन टेक्निकल स्किल सिखाया जाएगा। सॉफ्ट स्किल में जैसा सॉफ्ट होता है आपका सॉफ्ट स्पोकन, आपका बिहेवियर, आपका ग्रीट्स मीट्स, ये सब आपका सॉफ्ट में रहेगा। टेक्निकल स्किल में आपका जाएगा सपोज ये आपका वर्क रिलेटेड, अगर आप किचन है तो किचन रिलेटेड, फ्रंट ऑफिस है तो फ्रंट ऑफिस कंप्यूटर रिलेटेड, देन वर्क प्रोसेस, अगर FMB सर्विस है तो FMB सर्विस, देन सर्विस कटलरी कॉकरी एंड देन हाउसकीपिंग होगा तो हाउसकीपिंग थिंग्स। ये मोटो है ये स्किल में जो है, जो देन आता है एटीट्यूड जो है उसमें आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन आ जाएगा, सर्विस एटीट्यूड, देन कंप्लेन हैंडलिंग, गेस्ट हैंडलिंग, कंसर्ज, ये सब आपका एटीट्यूड में आ जाएगा। और वैल्यूज क्या है इसमें करने के बाद, आपको वैल्यूज जो है आपका इंटीग्रिटी, डिप्लोमेसी, एम्पैथी, कंप्लेन हैंडलिंग, कार्टियस एंड पेशेंस, ये सब चीज कंप्लीट, ये सब चीज में आपको ट्रेन किया जाता है स्टाफ लोग को, अगर ये कोर्स किया जाता है ये मोटो लेके इस यूनिवर्सिटी DHM, दैट मींस डिप्लोमा इन हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट। सिलेक्ट होने के लिए रिटन टेस्ट देना पड़ता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन होता है। ये कोर्स के लिए आपका नंबर ऑफ सीट जो है 60, ये कोर्स फीस है सेल्फ फाइनेंस, इसमें इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन कंपैरेटिवली प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कम है। इसमें जो आपको फीस पे करना पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली 60,000 to 70,000 आपको पे करना पड़ेगा। इट्स ए 1 year कोर्स, डिप्लोमा इन हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट इट्स ए 1 year कोर्स, इसमें आपका 60,000 to 70,000 आपको पे करना पड़ेगा। ये आपका
आ रहा है डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट जो आ रहा है बैचलर इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। बैचलर इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट ये 4 इयर्स कोर्स होता है, 4 इयर्स कोर्स होता है। ये कोर्स भी आपका इंटरव्यू एंड रिटन, रिटन 70% होता है, देन 30% आपका इंटरव्यू होता है। ये यूनिवर्सिटी सिलेक्शन प्रोसीड्योर जो है एज पर टेस्ट कॉन्डक्ट करते हैं, उसके बाद सिलेक्शन किया जाता है ये। और ये आपका क्वालिफिकेशन तो ऑलरेडी बता ही दिया था मैं, क्वालिफिकेशन जो चाहिए क्लास 12 आपको पास होना चाहिए। ये आपका गया बैचलर इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। देन आपका आ रहा है बैचलर वोकेशनल इन फूड प्रोडक्शन। दिस इज 3 इयर्स कोर्स। ये 3 इयर्स कोर्स आपको फर्स्ट ईयर आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद आपको डिप्लोमा दिया जाता है। सेकंड ईयर कहने से एडवांस डिप्लोमा है। जब आप 3 इयर्स कंप्लीट करेंगे तब आपको दिया जाता है बैचलर ऑफ वोकेशनल इन फूड प्रोडक्शन, ये दिया जाता है। ये भी आपका सिलेक्शन प्रोसीड्योर, आपका रिटन टेस्ट, उसके बाद आपका आता है इंटरव्यू। नंबर ऑफ सीट जो है 60, ये सिलेक्शन किया जाता है। इसमें कंप्लीट स्किल जो है, क्योंकि अंडर टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंदर है तो गवर्नमेंट नॉर्म्स मेंटेन करके इसमें आपका बहुत ही अच्छी तरह आपका ट्रेन किया जाता है, बहुत ही अच्छी तरह आपका स्टडी जो है किया जाता है। उसके बाद आपका जैसा ट्रेनिंग प्रोसीड्योर है दूसरा होटल में वो लोग प्लेसमेंट भी कर देते हैं। प्लेसमेंट भी अच्छा है क्योंकि आपका सिलेक्टिव क्रीम चूज करके वो लोग स्टडी करवाता है। उसके बाद आपका प्लेसमेंट भी अच्छा अच्छा जगह में प्लेसमेंट हो जाता है, ट्रेनिंग भी अच्छा जगह में बड़ा बड़ा चेन होटल में ट्रेनिंग दिया जाता है। दे हैव ऑलरेडी टाइप ऑफ चेन होटल्स मीन्स ओब्रॉय ताज हयात दे हैव ऑलरेडी टाइप, तो वो लोग का प्लेसमेंट होता है। कैंपस सिलेक्शन भी होता है, कैंपस में भी वो लोग का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग MT JT देन HOT के लिए कैंपस सिलेक्शन भी होता है। ये भी कोर्स भी जो है डिप्लोमा, दिस ऑल आर सेल्फ फाइनेंस्ड। डिप्लोमा इन हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में आपका कोर्स फी जो है वो आपका 60,000 to 70,000 का बीच में है। इट्स ए 1 ईयर प्रोग्राम। एंड बैचलर इन हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट इसमें जो है आपका 35,000 to 40,000 पर ईयर। इट्स ए 4 ईयर प्रोग्राम। इसमें 4 इयर्स प्रोग्राम, पर ईयर आपका 35,000 to 40,000 आपको पे करना पड़ेगा। देन बैचलर इन वोकेशन, बैचलर वोकेशन इन फूड प्रोडक्शन, इसमें आपका कोर्स फी जो है 96,000 कंप्लीट 3 इयर्स कोर्स के लिए है। अभी सीट जो है, नंबर ऑफ सीट जो है वो आपका डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट के लिए 60 है, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट के लिए 40 है, एंड बैचलर इन बैचलर ऑफ वोकेशन इन इन फूड प्रोडक्शन उसके लिए भी 60 है, 60 सीट है। तो ये नंबर ऑफ सीट था आपका सबके लिए रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू देने के बाद ही देखे इस प्रोसीड्योर में सिलेक्ट किया जाता है। अभी इसके जो आप जो रिटन टेस्ट देंगे, नॉर्मली रिटन टेस्ट जो है NCHMCT का जो एग्जाम प्रोसीड्योर है उस हिसाब से ही आपको एग्जाम देना पड़ता है। इसमें भी आपका जो सब्जेक्ट रहता है GK एंड करेंट अफेयर्स, रीजनिंग, देन मैथ एंड इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट के ऊपर ही आपको एग्जाम देना पड़ेगा। इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग है, अगर आपका जो नंबर अगर कुछ मिस्टेक होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है। तो गाइज ये था आज का वीडियो। कुछ जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी में जो होटल मैनेजमेंट कोर्स है उसमें अच्छा अपॉर्चुनिटी, उसमें अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट अप्रूव है, ये लेकर आज का वीडियो है। तो अगर गाइज ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच।